कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने रायबरेली के पिछावारिया गांव में हुई अर्जुन पासी के मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई है। ये लेटर 11 अगस्त को हुई अर्जुन पासी के मर्डर के बाद के हालात को लेकर लिखा गया है, जिसमें राहुल गांधी ने आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी और उसके पीछे राजनीति संरक्षण की संभावनाओं पर सवाल उठाए हैं। रायबरेली जिले के पिछावारिया गांव में 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। अर्जुन पासी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनके मर्डर से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मर्डर के मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार और दलित समाज में डर और गुस्से का माहौल है। राहुल गांधी ने अपने लेटर में लिखा कि अर्जुन पासी के मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि घटना को 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने लिखा कि 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पीड़ित दलित समाज में डर बैठा है। एक बेहद गरीब और शोषित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने लेटर में ये भी लिखा कि उन्होंने हाल ही में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके दुखों को शेयर किया। उन्होंने जिले के डीएम और एसपी से भी इस मामले पर बातचीत की थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने अपने लेटर के लास्ट में लिखा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। इस बारे में की गई कार्रवाई से मुझे जरूर अवगत कराएं। राहुल गांधी के इस लेटर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई गर्माहट आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का निर्णय लिया है और इसे दलितों के साथ हो रहे अत्याचार का नमूना बताया है। वहीं भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू कर रही है और इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।